भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रम में दूसरे दिन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने पटना आ रहे हैं। हालांकि उनके साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह लगभग 9 घंटे पटना में रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा वे बिहार में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 1:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह होटल मौर्या जाएंगे। वे शाम 4 से संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति का समापन भाषण देंगे। 5:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय आएंगे, जहां बिहार के सांसद विधायक विधान पार्षद के साथ बैठक करेंगे। 7:35 से प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। 10 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध, आज अमित शाह आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी सिमरन, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना 1:30 बजे पहुंचेंगे स्पेशल फ्लाइट से, और वहां से वो सीधे होटल मौर्या जाएंगे। वहां कुछ देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो इनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। ये लगभग 4 बजे के आसपास किए जाएंगे ज्ञान भवन में, जहां कल जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी की शुरुआत की थी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें ये संबोधित करेंगे। फिर उनके बाद ये पार्टी ऑफिस आएंगे, पार्टी ऑफिस में सारे पदाधिकारी से इनकी मीटिंग है। फिर उसके बाद जो है 8:30 बजे के आसपास सारे मंत्रियों से वो बात करेंगे, और वहां रात्रि भोज भी बीजेपी ऑफिस में आयोजित है। फिर वो होटल मौर्या जाएंगे और 10 बजे वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सिमरन जी, अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।